नगर निकाय चुनाव 2023 के परिणामों के बाद आज शासन स्तर पर बागपत की 3 नगर पंचायत जिसमें दोघट नगर पंचायत से संगीता, टीकरी नगर पंचायत से सरिता राठी, रटौल नगर पंचायत से जुनैद फरीदी और 2 नगर पालिका जिसमें बड़ौत नगर पालिका से रालौद सपा गठबंधन की चेयरमैन बबीता तोमर और बागपत नगर पालिका से रालौद सपा गठबंधन से चेयरमैन बने राजुद्दीन एडवोकेट को उप जिलाधिकारी पूजा चौधरी ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में जहां भारी जनसमूह उमड़ा, वहीं रालौद के छपरौली विधायक अजय कुमार, पूर्व विधायक डॉक्टर अजय कुमार, सपा जिलाध्यक्ष रामपाल धामा, जिला पंचायत अध्यक्ष ममता जय किशोर के पति जय किशोर रालौद, नेता नवाब अहमद हमीद ने जनता को संबोधित किया और आभार जताया। बताते चले पड़ौत नगर पालिका पर रालौद प्रत्याशी बबीता तोमर ने भाजपा के सुधीर मान को पराजित कर चेयरमैन बने। बागपत नगर पालिका में रालौद गठबंधन प्रत्याशी राजुद्दीन एडवोकेट ने भाजपा के राज कुमार चौहान को पराजित कर विजय हासिल की। इस मौके पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा विकास कराना ही उनकी सबसे बड़ी प्रमुखता है। मुझे लगे सभासद तो 24 आ गए, कोई एक देना चाहेंगे। नव निर्वाचित बोर्ड है, अभी तो सबको बधाई देना चाहूँगा और संदेश यही देना चाहूँगा कि जिस उम्मीद के साथ जनता ने सभासदों को चुना, मुझे चुना, कि हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें और जो उनकी उम्मीदें हैं हमसे विकास कार्यों के, हम उन्हें पूर्ण कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा कराएं। चेयरमैन साहब, चौथी बार जो है जनता ने भरोसा जताया है, जी बागपत के लिए नया क्या होगा? अब नया करने की कोशिश करेंगे, नए के लिए कार्य योजना बनाएंगे सबसे पहले। अब नए के लिए हमने बोला था जो बागपत में नहीं है उस ओर ध्यान देंगे, स्टेडियम के लिए कार्य योजना बनाएंगे, अच्छा सा पार्क, बड़ा सा मैरिज होम जो नहीं है इनके लिए कार्य योजना बनाएंगे, क्योंकि यहाँ है नई जिला हेडक्वार्टर है लेकिन आज भी हमारा बागपत गांव परिपेक्ष जैसा लगता है। जी सरकार बिना तो कुछ भी नहीं होने का, हमारे पालिका में इनकम तो है नहीं, आय के साधन नहीं है, बिना सरकार से कुछ नहीं होने का, लेकिन यहाँ नगर में तो सब जो है सरकार के लोग हैं और सब नगर को सेवा देने की जिम्मेदारी सरकार की भी है और नगर पालिका आश्रित सरकार पे है, तो सरकार से तो मांग करनी पड़ेगी।